परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। भाव संजोए उर्मे गुरु ने भक्तों ने आकार दिया, भाव संजोए उर्मे गुरु ने भक्तों ने आकार दिया, त्याग तपस्या के द्वारा खुद में ही पुण्य उतार लिया और गुरु प्रमाण सागर ने इस सृष्टि को ये अवदान दिया है। गुणायतन के द्वारा मित्रों सृष्टि को वरदान दिया है, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया है। निश्चित बंधु शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की इस तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान जिसके माध्यम से युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना होगी और आने वाले समय में न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनने वाला है गुणायतन और न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता भविष्य का मार्गदर्शक बनेगा गुणायतन। बंधो पूज्य गुरुदेव की अद्भुत अनुकंपा हम सबको ये वरदान के रूप में प्राप्त हुई है। यदि आज तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो बंधुओं आज ही जुड़ जाइए। पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उनमें अपने आप गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाओं से अवगत होते हुए अपने जीवन का साथ से पुण्य अर्जन कर सकते हैं, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा सकते हैं। साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी से कहूंगा कि जानिए क्या है गुणायतन और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए। बंधुओं साथ ही पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रतिदिन शांति धारा संपन्न होती है, लेकिन कल विशेष दिन रक्षाबंधन का वात्सल्य पर्व का विशेष दिन है और कल पूज्य गुरुदेव के माध्यम से विशेष शांति धारा भी संपन्न होगी। साथ ही भगवान श्रेयांसनाथ का निर्वाण लाड़ू भी चढ़ाया जाएगा। इस विशेष उपलक्ष्य में यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी ओर से शांति धारा संपन्न कराएं तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमें अवगत करा सकते हैं आपकी ओर से शांति धारा संपन्न होगी जिसका प्रसारण आप देख सकते हैं लाइव। और साथ ही बंधुओं जैसा कि आपको पता ही है पूरे विश्व से इस परिकल्पना को सार्थक करने के लिए हमें दान योगदान प्राप्त हो रहा है। आइए मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज ये सौभाग्य प्राप्त किया है, स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती उर्मिल जैन, आशीष जी, मोनिका जी, मोक्ष के जन्म दिवस पर आयशी आयशी जैन, शोभित जी, सोनल जी, दिव्यांश जी, आराध्या जैन, समस्त जैन परिवार कानपुर से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने ये शादी से पुण्य अर्जन किया निर्माण निधि से, निर्माण सारथी श्रीमती मंजू लोहाड़िया जी, श्री हीरा लाल जी लोहाड़िया, उदयपुर, समस्त परिवार। निर्माण मित्र के रूप में हमारे बीच में जबलपुर से श्री सुमत चंद, राजकुमारी जैन, श्री सुधांशु जैन, समस्त परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे गुणायतन सीईओ श्री सुभाष जी और साथ ही एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष आए और उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। श्री सुमत चंद, राजकुमारी, सुधांशु जैन साहब परिवार। शेष निर्माण निधि के रूप में जो जुड़े हैं दिलीप कुमार जैन, श्रीमती ज्योति जैन साहब परिवार, बेल्ला पटसेम मेदनीपुर, प्रयागराज से श्रीमती रेणु अग्रवाल, श्री के अग्रवाल मुन्ना, बेल्लारी कर्नाटक से रोचक अमित जैन, वैशाली अमित जैन, दिल्ली से श्री ऋषभ जैन, श्रीमती वंदना जैन, धर्मपत्नी दिनेश कुमार जैन, अलवर से शिखर चंद जी, अलवर निवासी, बंडा बेलई से श्री शिखर चंद, श्रीमती बिमला जैन, डांगी घर परिवार। आइए सम्मान करेंगे हमारे श्री सुमत चंद, राजकुमारी, सुधांशु जैन जबलपुर का और आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन करें। चलिए श्री शिखर चंद जी, श्रीमती बिमला जैन, डांगी डर परिवार, बंडा बेलई से निर्माण मित्र के निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं, गुड़गांव से श्रीमती राधा जैन, श्री नेमीनाथ जैन और हमारे बीच में श्रीमान बिमलेश कुमार, श्रीमती शिल्पा जैन, श्रीमती हर्षिता जी चंदेरिया, कुमारी अर्पिता जैन, वाणी चंदेरिया, भिलाई मसाला उद्योग छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में जिन्होंने आज निर्माण निधि के रूप में जुड़े, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आइए बंधु अब चलते हम इसी कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं आगे के इस शंका समाधान के विशेष सत्र के संचालन के लिए। मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित श्री सुदर्शन जी पिंडरी। सम्मान की सरिता कोष में
वृद्धिंगत कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में असीम जी, अपूर्व जी, सतभैया परिवार टीकमगढ़ से उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए श्रीमान सी योगनाथन सुभाष जी एवं श्रीमान अनिल जैन साहब कोषाध्यक्ष, उनका सम्मान करके गुणातन के गौरव को संवर्धित करें। और मैं तुरंत बाद आज के संघ समाधान को प्रारंभ करूंगा, आपको जोड़ूंगा उन श्रीचरणों से जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम ही नहीं अपित पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से लगातार इनकी द्वारा समका समाधान सुनकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, उन सभी सुसहायकों का मैं वंदन करता हुआ, इनके पिताजी भी ट्रस्टी हैं श्रीमान अखिलेश जी सतभैया साहब और दोनों भाई भी, अब तालियां बजाएं, ये ऐसा परिवार है जो गुणादन के लिए पूरी तरह से समर्पित परिवार है। बहुत बहुत साधुवाद। चातुर्मास के मुख कलशों में एक कलश इनका, प्रमुख कलश इनका है, आपकी तालियां लगातार बजाएं ऐसे परिवार के लिए, ऐसे उदार आशय वाले व्यक्तियों के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं गुरुदेव को के चरणों से आपको संबद्ध करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर आच्छादित हो, अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस् तुम्हारा श्री, नमोस् तुम्हारा श्री, नमोस् तुम्हारा श्री। महाश्री, आज के इस कार्यक्रम को मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद के साथ। गुरुदेव, अंकित जैन सिंगापुर से आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जब पुण्य का उदय होता है तब जीव कितने भी घोर, भयानक और नीच कर्म कर ले, तब भी उसे पुण्य के प्रभाव से सफलता मिलती रहती है, और जब पाप का उदय होता है तो धर्मात्मा कितना भी पुण्य कर ले, उसका पुरुषार्थ भी काम नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, जबकि कर्म और पुरुषार्थ में पुरुषार्थ बड़ा है? कर्म सिद्धांत तो यही कहता है कि पुरुषार्थ से हम कर्म को कम कर सकते हैं, पर जीवन में ऐसा देखने में नहीं आता, क्यों? ओ, देखिए बात सही है, पुण्य के योग में सब ढक जाता है और पाप के प्रकोप में कुछ भी बच नहीं पाता। जहाँ तक सवाल है, पुण्य के योग में उल्टे सीधे कर्म करने के बाद भी मिलने वाली सफलता का, और पापोदय में किए गए अच्छे कार्यों के उपरांत भी असफलता का, इस विषय में पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति बुरे कर्म करके भले सफल हो जाए पर प्रसन्न नहीं रह सकता, और अच्छे कर्म करने वाला कभी यदि कदाचित विफल भले हो जाए पर वो दुखी नहीं होता। पुण्य का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि है और पारंपरिक फल सुख समृद्धि है, जबकि पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है और पारंपरिक फल दुख दारिद्र है। पुण्य पाप का ये क्रम चलता रहता है, बनता बदलता रहता है। जहाँ तक किसी कार्य की निष्पत्ति में होने वाले कारणों का सवाल है, तो हमारे द्वारा जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं उन कार्यों में केवल कर्म ही एक कारण नहीं है। हमारे जीवन में घटित होने वाले कार्यों में कर्म का रोल 20-25% ही है। अन्य भी कारण हैं जिसे लोगों ने नहीं समझा। हम लोगों ने तो ईश्वर कर्तृत्व और कर्मवाद दोनों को लगभग समान बना दिया, जबकि कर्मवाद की सही समझ ये नहीं है। कर्म कारक है पर सब कुछ कर्म करता है ऐसा नहीं। कर्म के साथ काल है, देव है, पुरुषार्थ है, भवितव्य है, स्वभाव है, ये सारे कारण सामग्री जब जुड़ते तब कर्म अपना फल देता है, तब हमारे जीवन के साथ जुड़ता है। तो कार्य के निष्पादक अनेक कारण होते हैं। ये बड़ी भूल भरी धारणा है कि सब बातों को हम केवल कर्म पर लाकर जोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आचार्य कुंद ने कह दिया कि ये धारणा भ्रांत है, और उन्होंने कह दिया लोगस्य कुंड बिन्नु जो नानम कम मोती, फिर तुमने केवल नाम ही बदला, अर्थ में परिवर्तन नहीं।
तो वस्तु के स्वरूप को व्यापकता से समझने के बाद हम इस विषय को अत्यंत स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए क्या करें, हमारे जीवन में जो घटे हमारे हाथ में जो है वो हम करते रहे, परिणाम जो मिले उसे एक संयोग मानकर स्वीकारे। हमारे हाथ में हमारा पुरुषार्थ है जो निरंतर जारी रहना चाहिए, उसमें किंचित भी शिथिलता हम अपनी ओर से ना आने दें। गुरुदेव, सरिता देवी बगड़ा हावड़ा से आपके श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं, उन्होंने अंग्रेजी में प्रश्न भेजा है। वे कहती हैं, गुरुदेव, इन जैन कल्चर जनरली वन पर्सन ग्रीट अदर शेइंग जय जिनेन्द्र, कैन वी ग्रीट आवर गुरुदेव आवर लॉर्ड शेइंग जय जिनेन्द्र, इफ नॉट देन भाई। देखिए बात सही है, जय जिनेन्द्र आज अभिवादन में प्रयुक्त एक शब्द है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिनेन्द्र भगवान की सदैव जय हो, मतलब हम भी जिनेन्द्र भगवान के अनुयायी हैं, आप भी जिनेन्द्र भगवान के अनुयायी हों, सर्वत्र जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान का यशोगान होते रहे, जैन धर्म जयशील बने रहे, जिनेन्द्र भगवान जयशील बने रहे, दिग दिगंत तक जैन धर्म जैन धर्म जैन धर्म का नाम होता रहे। यह है इसके पीछे की मूल भावना। तो ये परस्पर में अभिवादन के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, इसमें एक दूसरे को नमस्कार नहीं है। लेकिन जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं और गुरु के समक्ष जाते हैं तो उनकी हम वंदना करते हैं। वंदना में नमन सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम जब नमोस्तु कहते हैं तो नमन है, नमस्कार है, इसलिए दोनों में बड़ा अंतर है। फिर सबका एक प्रोटोकॉल होता है जिसके लिए जो शब्द उपयुक्त है हमें वही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो गुरुओं के लिए, भगवान के लिए नमोस्तु, और नीचे आ जाओ तो एलक शुलक के लिए इच्छामि, आरिकाओं के लिए वंदामि, और ब्रह्मचारी के लिए वंदना, आपस में जय जिनेन्द्र या नमस्कार, ये अलग अलग है। यद्यपि नमोस्तु कहो और नमस्कार कहो अर्थ में अंतर नहीं है, लेकिन भाव में बड़ा अंतर है। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया कि महाराज जी, हम भगवान को नमोस्तु कहते हैं, आप लोगों को नमोस्तु कहते हैं, आपस में एक दूसरे को नमस्कार कहते हैं, तो आपको भी नमस्कार कह सकते हैं क्या? हमने कह सकते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। बोले महाराज क्या अंतर, अर्थ तो एक ही है। हमने कहा ये बताओ, तुम अपनी माँ को माता कहते हो और तुम्हारी माँ के समवयस्क कोई दूसरी स्त्री उसको भी माँ कहते हो? बोले कहते हैं। बोले दोनों में अर्थ एक भाव एक सा होता क्या? बोले नहीं महाराज, माँ माँ जैसी होती है और दूसरी दूसरी। हम बोले ऐसे ही तुम आपस में किसी को नमस्कार कहते हो उस समय के भाव, और गुरु और प्रभु के चरणों में जब नमस्कार कहते हो उस समय के भाव में क्या अंतर है? है ना? तो जो जिसके लिए उपयुक्त है हमें वैसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। गुरुदेव, मयूरी ग्रीस जैन रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कोट से वंदन करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, बागों में अगर माली नहीं होता तो बाग उजड़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में अगर कोई रोकने टोकने वाला ना हो तो जीवन उजड़ जाता है। लेकिन महाराज जी, रोकने टोकने वाले लोग हमें बुरे क्यों लगते हैं? हम रोकने टोकने वालों को पॉजिटिव दृष्टि से कैसे देखें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, रोकने टोकने वाले को अच्छा अगर देखना है तो एक ही काम करो, जैसे सड़क चलते समय रेड सिंबल को देखकर अपनी गाड़ी रोकते हो। रेड सिंबल गाड़ी चलाते समय दिखता है, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप गाड़ी रोकते ही हो ना। क्यों कर रोकते हो? क्योंकि आपको पता है ये रेड सिंबल हमें रोकने के लिए नहीं, हमारी यात्रा को निर्बाध आगे बढ़ाने के लिए है, हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए रेड सिंबल दिया है। तो वो निषेध होने के बाद भी आप उसे स्वीकार कर लेते हो। इसी तरह यदि हम अगर इतनी बातों का ध्यान रखें तो बड़े लोगों की निषेधपरक बात भी हमें अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। उनके प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, भावना जग जाए
कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं यद्यपि मेरे मन के अनुकूल नहीं है, लेकिन इसमें मेरा भला है, इतनी बात समझनी चाहिए। ये रेड सिंबल है, ये मुझे भावी दुर्घटना से बचाने के लिए है। इतनी श्रद्धा और विश्वास हो तो ठीक है, फिर बड़े लोगों को भी जब चाहे रेड सिंबल नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना तभी चाहिए जब ज़्यादा ज़रूरत हो। जो लोग बात बात में रेड सिंबल दिखाते हैं ना, उनका फिर कुछ चलता नहीं, कहते इनकी तो आदत ही ऐसी हो गई। अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहते हैं तो तभी कहिए, और उतना ही कहिए जब ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा। और समय के अभाव में यदि आप अपनी बात करोगे तो आप अपनी प्रासंगिकता खो दोगे। महाराज श्री एलोरा महाराष्ट्र से जय श्री जयचंद पाटनी बारंबार नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव कितने गजब की बात है कि पहले कोई घर से कुछ समय के लिए बाहर जाता था तो परिवार की आंखें भर आती थी, पर अब अपना कोई इस दुनिया से विदा हो ले लेता है तो भी हमारी आंखें नम नहीं होती। तो महाराज श्री मैं पूछना यह चाहती हूँ कि यह प्रगति की निशानी है अथवा अधोगति की? भैया पहले जाते थे तो आंखें भर आते थे, अब तो कोई दुनिया से चले जाए तो आंखें नहीं भरते। आपने पूछा यह प्रगति की निशानी है या अधोगति की? न मैं इसे प्रगति कहूँगा न इसे अधोगति कहूँगा, इसे प्रतिगति जरूर कहूँगा। प्रतिगति और प्रगति में क्या अंतर है? प्रगति यानी जो हमें हमारे गंतव्य तक समय से पूर्व पहुँचाए उसको बोलते हैं प्रगति, या जो हमें हमारे गंतव्योन्मुखी बनाए वो प्रगति है, और प्रतिगति जो हमें विपरीत दिशा में ले जाए वो प्रतिगति है। जाना मुंबई हो और हमें वो दिल्ली पहुँचा दे तो ये प्रतिगति। जहाँ हमें जाना है वहीं हमें जाना चाहिए। आज की जो दिशा है मनुष्य की बढ़ती हुई संवेदनहीनता का द्योतक है। हम अपनी संवेदनशीलता को जब व्यापक बनाएंगे तभी ऐसा कुछ कर पाएंगे। महाराज श्री रिद्धि जैन बिहार के किशनगंज से कोटि कोटि नमस्तु करते हुए जानना चाहती हैं, गुरुदेव हम जैन हैं, भारतीय हैं, लेकिन जैन होने के प्रमुख बातें हमें जब देसी भाषा में करने के लिए पढ़ाया जाता है या गुरुओं के द्वारा बताया जाता है, उदाहरण जैसे रात्रि भोजन का त्याग या आलू प्याज आदि का त्याग, तो हमें बड़ी बात, हमें बहुत बड़ी बात या फिर इम्पॉसिबल टाइप की बात लगती है। लेकिन यही बात जब पश्चिमी भाषा की कोटिंग में बात की जाती है, जैसे रात्रि भोजन को इंटरमिटेंट फास्टिंग और आलू इंटरमीडिएट फास्टिंग, अच्छा हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, या आलू प्याज या बाजार की वस्तुओं के त्याग को ला कार्ब अथवा ला फैट डाइट, शाकाहार बनने को बीइंग वीगन आदि, तब वही सारी बातें इजीली और ट्रेंडिंग बन जाती हैं। और कोई अंग्रेजी दिखावे को ना फॉलो करे तो लोग उसे बैकवर्ड समझते हैं। केक ना काटना, जन्मदिन में क्लब ना जाना, तीर्थ जाना आदि, ऐसे में लोग पंडित या लाइफ को खुलकर के जीना आदि ताने देते, पंडित है ऐसा कहते हैं। गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब लोगों की मानसिक गुलामी का द्योतक। देश को आज़ाद हुए भले 75 साल हो गया, पर हमारा देश स्वतंत्र हो गया, चेतना आज लोगों की परतंत्र है। आज भी अंग्रेजों के जाने के 75 वर्ष बाद भी लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। अब लोगों को हिंदी कम, अंग्रेजी जल्दी समझ में आ जाती है। जो हवा पश्चिम से आती है लोगों को वही अच्छा लगता है, जबकि प्रकृति पर ध्यान दे तो पश्चिम की हवा बड़ी गर्म होती है, पूरब की हवा ठंडी होती है। और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि दुनिया की जो रोशनी है वो पूरब से ही गई है। सूरज सबसे पहले पूरब में उगता है, पश्चिम में तो यहीं से रोशनी जाती, पश्चिम तो अंधेरा देता है। काश लोग इन चीज़ों को जाने और लोगों के हृदय में उनकी सांस्कृतिक निष्ठा जागृत हो। लेकिन ये जगेगी कैसे? आज लोगों की पूरी शिक्षा की पद्धति उल्टी हो गई। शुरू से अंग्रेजी माध्यम में जो लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लोगों का चिंतन ही उसकी वजह से वैसा बन गया, और वैसा चिंतन बन जाने के परिणाम स्वरूप लोग उसी भाषा में सोचना शुरू कर देते हैं। नतीजा हम सबके सामने है। हमारी संस्कृति बड़ी पुरातन संस्कृति है और हमारी जो जीवन शैली है बड़ी आदर्श जीवन शैली है। अभी आपको बताऊं, जिस पर नोबेल प्राइज मिला
ऑटोफेजी नाम का एक विज्ञान विकसित हुआ और उन्होंने ये बताया कि लोगों को भोजन के बाद अपने पेट को खाली रखना चाहिए और साथ साथ ये बोला कि 15 दिन में कम से कम एक उपवास करना चाहिए, उससे कैंसर जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। वो ऑटोफेजी के सिद्धांत की बात आज कर रहे हैं। जैन शास्त्रों में तो हमेशा से कहा गया है अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो, उपवास नहीं कर सको तो एकाशन करो। ये लोग पहले इन सब चीज़ों को करने वाले को लोग ऑर्थोडॉक्स मांगते थे, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत है। काश लोग इन चीज़ों को समझें। इसलिए मैं सभी से ये कहूँगा कि अंधानुकरण न करें, पश्चिम की मुहर पर विश्वास न करें, हर चीज़ की उपयोगिता का खुद अनुभव करें। हमारे शास्त्रों में जो बातें हैं और हमारी परंपरा में जो काम है वह इतना मौलिक है कि उसे अपना लें तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, अपने सोच को अच्छा रखें, अपने चिंतन और चरित्र को अच्छा बना सकें और एक संतुलित जीवन जी सके, उसके लिए हमें जो जीवन शैली दी गई उसे अपनाना चाहिए और उसे अपना करके ही हम अपना जीवन बेहतर बना सकेंगे। महाश्री, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में श्रीमती सुरभि सतीश जैन पाटन परिवार कटनी, ये आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, नदियों का जल मीठा और सागर का जल खारा, आखिर ऐसा क्यों, जबकि नदियों का मीठा जल ही प्रवाहित होकर सागर में एकत्रित होता है। देखिए, नदियों का जल मीठा क्यों है और सागर का जल खारा क्यों है, इसके पीछे की मुझे एक बड़ी वजह दिखती, वो ये है कि नदियाँ अपने पास कुछ नहीं रखती, जो होता है सबको मार देती। नदियाँ अपने पास कुछ नहीं रखती, जो आता है सब बांट दिया करती है, और सागर जो है उसके पास जो आता अपने ही पास रखता, कुछ भी नहीं बांटता। बस मैं इतना ही जानता हूँ, जहाँ वितरण है वहाँ मिठास है और जहाँ संग्रह है वहाँ खारापन। हिंदू जैन धनतरी तैयार हों, भावनायों का मोनो लगा है, वहाँ पहुँच जाएँ, आपको प्रश्न करना है। इसके पूर्व हमारे बीच में आज श्रीमान जे के जैन साहब ट्रस्टी गुणायतन भोपाल से उपस्थित हैं। गुरुदेव की वंदनार्थ निवेदन करता हूँ, आएँ, मंचासीन हों, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, श्रीमान सुभाषजी जैन सीईओ गुणायतन वे आएँ और इनका सम्मान करें। साथ ही आज गुणायतन के लिए श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती किरणबाई हीरालाल जी जैन की पुण्य स्मृति में हीरालाल मूलचंद जी, राजेश हीरालाल जी, अर्चना राजेश जी, रिया राजेश जी, सम्यक राजेश जैन परिवार गिरगांव मुंबई, इन्होंने एक सोने की स्वर्ण अंगूठी प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। विवान जी कोठारी सा परिवार कोलकाता से, इन्होंने जीव दया हेतु 10,000 की राशि संप्रेषित की है, साधुवाद। श्रीमती राधा जी जैन, श्री नैमिना जी जैन परिवार गुड़गांव से, इन्होंने गुणातन निर्माण के लिए 11,000 की राशि संप्रेषित की है, बहुत बहुत साधुवाद। तालियां बजें, इनकी अनुमोदना करें, तालियां बजा करके। श्री श्रद्धा मिश्री कोटकर जी सपरिवार नागपुर से, इन्होंने निर्माण हेतु 11,000 की राशि संप्रेषित करके अपने जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती कविता सुरेश जी बाड़े सपरिवार नागपुर से, इन्होंने भी निर्माण दान के लिए 11,000 राशि प्रतिशत करके अपने भाव को स्वर्णिम बनाया, बहुत बहुत साधुवाद। इंदु जी धमतरी से प्रश्न प्रस्तुत करें, तैयार हैं। शैलेश जी जैन खरगोन से, गुरुवर के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन। मैं धमतरी से इंदु जैन। बिखरे समाज को कैसे संवारे गुरुवर, ये मेरा ही क्वेश्चन नहीं, अन्य समाज नहीं अन्य जगह का भी है। नमोस्तु गुरुवर। बिखरे समाज को कैसे संवारे, बड़ा सीधा सा और सरल सा उपाय, मन के बिखराव को रोक दे। समाज क्यों बिखर रहा है, क्योंकि मन बिखर रहा है। लोगों के बीच में मनभेद है, मतभेद से बाधा नहीं है, मनभेद से बाधा है। हर व्यक्ति अपने अपने विचारधारा की साथ जिए तो कोई हानि नहीं, हानि तब होती है जब विचारों का टकराव होता है, मतभेद की जगह मनभेद आता है। हमें चाहिए कि हम अपने मनभेद को मिटाएं और जीवन का पथ प्रशस्त करें। आइए श्रीमान शैलेश जी जैन खरगोन से, तैयार रहें। श्री राजकुमार श्रीमत वैभव जी काला सूरत से,
महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है कि हमारे पूर्व कुटुंबियों द्वारा कोई आहत कर्म कर दिए गए हों तो उन कर्मों का फल कई पीढ़ियों तक हम लोगों को भुगतना पड़ता है, उन्हें तो ज्ञात भी नहीं होता कि ये कर्म हम लोगों ने कभी किए हैं, तो इससे छुटकारा के क्या उपाय है महाराज जी? देखिए, सामाजिक व्यवस्थाएं बना दी गई है, ये उचित नहीं। अपराध कोई करे और उसकी पीढ़ियों को सजा मिले, ये ठीक नहीं है। पर हमारी समाज में, बल्कि सभी समाजों में, कुछ ऐसी कुरीतियाँ बनी हुई कि एक ने अपराध किया और पीढ़ियों को उसको सजा भुगतने की स्थिति आई। इसके पीछे हमारी समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा बन गया जिसे अछूत बना दिया गया था। एक ज़माने में तो ऐसा था कि वो लोग मंदिर चले जाते थे तो मंदिर धोया जाता था। ये तो गुरुदेव की कृपापूर्ण दृष्टि रही जो उन्होंने सबको गले लगाया और सबका रास्ता खोला। नमस्ते। गुरुदेव हमेशा कहते हैं हमें पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं। पाप घृणा के योग्य है, पापी नहीं। अगर किसी से कोई गलती हो गई तो उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। जिसने गलती की वो सजा और प्रायश्चित का पात्र है, पर जिसमें उसका कोई योगदान ही नहीं और उसमें गलती करते समय जो जन्म ही नहीं लिया, उसके लिए उसका दंड देना कतई उचित नहीं। नमस्ते। उपस्थित श्रीमान ब्यहौर जी काना साहब सूरत से तैयार हैं, सुश्री शिवानी जी गुना से। नमस्ते गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पंचायतन शैली क्या होता है और गुणी स्थान क्या होता है? कोई आम आदमी मतलब पहले गुणी स्थान 14वें गुणी स्थान तक कैसे पहुंच सकता है, या हम पहुंच सकते हैं? दोनों चीज़ें गुणायतन में आ जाओ, समझ में आ जाएगी। पंचायतन शैली क्या होता है ये देखना है तो मंदिर देख लो गुणायतन का, समझ में आ जाएगा। मैं घंटा भर बोलूँ उससे अच्छा एक झलक देख लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की एक पुरातन शैली है जिसमें मध्य में एक और चारों दिशाओं में चार वेदियाँ होती, उसे बोलते हैं पंचायतन शैली का मंदिर। समझ गए? आप देख रहे हैं मध्य में एक वेदी शिखर बन रहा है, चारों दिशाओं में चार बड़े बड़े मंदिर हैं, तो ये पंचायतन शैली का मंदिर है। अभी देश में जितने भी मंदिर बन रहे हैं और अभी बने हैं, ज़्यादातर मंदिर नागर शैली के मंदिर हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से जैन समाज का तो पहला मंदिर है जो पंचायतन शैली का मंदिर है। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, आकर्षक है और आप लोगों को आकर्षण इसका देख ही रहा है। गुरुस्थान क्या होता है यही तो आपको बताना है। गुणायतन में, गुणायतन आ जाने के बाद हर बच्चे बच्चे को मालूम पड़ेगा कि हमारा गुणस्थान क्या है और क्या होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, श्रावक क्या होते हैं, मुनिराज क्या होते हैं, कैसे होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निद्रा, कैसा होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिरती है भगवान की दिव्यवाणी, कैसा होता है भगवान का श्री विहार और कैसे करते हैं भगवान मोक्ष गमन, इन सब की साक्षात अनुभूति आपको गुणायतन में होगी। समझ गए? मैं कहूँगा जैन तत्व ज्ञान का समग्र बोध कुछ पलों में आपको गुणायतन में आने में मिल जाएगा। सुश्री शिवानी जी गुना से पहुँचे और प्रस्तुत हों और तैयार रहें असित जी, अर्चना जी, बैनाना साहब कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरी शंका जय है कि जब हम युवा वर्ग शाश्वत तीर्थ हित आते हैं तो हम पूरी भावों के साथ आते हैं, पर वहाँ आकर हम सिर्फ सुविधाएं ढूंढते हैं, जैसे टेस्टी खाना नहीं मिलता तो हम बाहर का खाना खाते हैं और हम संयमित नहीं रह पाते हैं, तो हम किस तरीके से अपने ऊपर संयम रखें तीर्थ क्षेत्रों पर, मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बात सही है, आजकल तीर्थ क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ गई। सुविधाओं के बढ़ने का सकारात्मक फल ये रहा कि तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी, लेकिन सुविधाओं को बढ़ जाने के साथ साथ लोगों की मानसिकता भी बिगड़ गई। अब लोग तीर्थ यात्रा को तीर्थ यात्री बनकर कम, सैलानी बनकर ज़्यादा करने लगे हैं। ये जो रिलीजियस टूरिज्म बढ़ गया है तो लोग एक टूरिस्ट की तरह आने लगे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ऐसा करने से आपका पुण्य छीन होता है। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि जब कभी भी आप तीर्थ यात्रा के लिए आए, खासकर समेत शिखर जैसे क्षेत्र के लिए आए, तो ये मन बना कर आए कि मैं तीर्थ वंदना के लिए आया हूँ,
दो रोज, चार रोज, आठ रोज, जितने दिन मैं वहाँ रहूँगा तो एक साधक की भांति रहूँगा, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने की जगह कुछ हट करके जीऊँगा। और घर से ही संकल्पित होकर आए, मैं जितने दिन तीर्थ यात्रा में रहूँगा शुद्ध भोजन करूँगा, एक वक्त भोजन करूँगा, ज़्यादा है तो बस दो ही बार खाऊँगा, इधर उधर का कुछ नहीं खाऊँगा, अभक्ष तो मैं खाऊँगा ही नहीं, आम दिनों से मेरी चर्या हटके होगी। यदि ये सब बातें जीवन में जुड़ गई तो जीने का मजा ही कुछ और होगा, आनंद कुछ और होगा। अब चूंकि संस्कार पुराने हैं, चीजें सामने दिखती है तो मन उधर ही भटक जाता है, चलो चलो मिल रहा है तो ले लो, आप तो नीचे की बात छोड़ो पहाड़ पर भी नहीं छोड़ते लोग, वहाँ भी चालू हो जाता है, कुछ लोग तो चढ़ना शुरू होते और शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये हमारे पुण्य को छीन करने वाले कारक, इनसे बचना चाहिए। और आप सोचिए हम तीर्थ क्षेत्र में आए किस लिए, कर्म काटने के लिए या कर्म बांधने के लिए, बोलो काटने के लिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें संयमित रहना चाहिए, अपने मन में संयम, और उसका एक ही विकल्प है, घर से निकलने के पहले ये संकल्प ले लो। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बच्चा था मेरे ख्याल से 21-22 साल का होगा, उसने पर्वत की वंदना की, नीचे उतर कर आया, लगभग 4 बज गए 4:15, मैं व्यस्त था, वो बाहर खड़ा था, 15 मिनट इंतजार भी किया, बाद में मुझे मालूम पड़ा एक बच्चा पर्वत की वंदना करके आया और उसका संकल्प है जब तक वो आपके दर्शन नहीं करेगा अन्न पानी नहीं डालेगा, पर्वत की वंदना करके नीचे आ करके। मैंने कहा तुमने कैसे क्या सोच लिया, शायद यहाँ है तो नहीं, नहीं है, है क्या, है लड़का, है उपस्थित है क्या, नहीं है, नहीं, कोलकाता का था वो, भवानीपुर का, और अच्छा लड़का। हमने वो तुम्हारे मन में प्रेरणा कैसे जगी, बोले महाराज जी मैं आपको सुनता हूँ, आपका पोस्टर देखा तो मैंने कहा आपके दर्शन किए बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ये संयम का फल है और संकल्प से ही संयम पलेगा, अपने मन में दृढ़ संकल्प रखोगे तभी ऐसे परिणाम आएंगे। आम दिनों की भांति अगर आप जियोगे तो खोओगे, पाओगे कुछ नहीं, इसलिए बचना चाहिए। नमोस्तु महाशय। उपस्थित हों असित जी, अटन जी, वेराना साहब कोलकाता से, ट्रस्टी गुणायतन, तैयार हैं सुश्री मानसी पाटोदी साड़म से। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मन की उत्कटता को कैसे बढ़ाएं जिससे ईगरनेस और डिप्रेशन कम हो? मन की उत्कटता को बढ़ाने के लिए आपने ईगरनेस और डिप्रेशन से बचने की बात की, कुछ मत कीजिए, नियमित भावना योग करना शुरू कीजिए, विधिवत पूर्ण रूप से, थोड़े दिन में ही देखिएगा आप इन सब चीज़ों से बाहर होंगे। चूंकि मन के संस्कार बड़े विचित्र हैं, उन संस्कारों को ठीक करने के लिए हमें अभ्यास बनाने की जरूरत है, वो अभ्यास जितना प्रबल होगा हमारा मन उतना प्रशस्त होगा, इसलिए धीरे 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 अभ्यास बढ़ाएं और अपने मन को सामान्य बनाने की कोशिश करें। नमोस्तु। उपस्थित हों सुश्री मानसी जी पाटोदी शरणम से, तैयार हैं श्रीमान असीम रिम्पी अपूर्व सृष्टि जी सभैया परिवार टीकमगढ़ से, टेस्ट गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, कहते हैं कोशिश करें लेकिन कोशिश करने पर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो इस तरह की कोशिश करने पर हमें भावना योग कहाँ तक उपयोगी है, कृपया मार्गदर्शन करें। कोशिश करें और कोशिश करने के बाद भी सफलता न मिले तो ये सोचे कि बिना कोशिश के तो सफलता मिलने वाली नहीं है, जब कोशिश करने के बाद सफलता नहीं है तो कोशिश खोने के बाद क्या सफलता मिल जाएगी, इसलिए हताश नहीं होना चाहिए। तमाम कोशिशों के बाद भी यदि वांछित सफलता न मिले तो ये सोचना चाहिए कि मेरी कोशिश में कहीं कमी, और भावना योग के हिसाब से ये सोचना चाहिए कि मैं कामयाब होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा, ये मत सोचिए कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, मुझे सफलता नहीं मिल रही, मुझे सफलता नहीं मिल रही, ऐसा सोचने की जगह मैं कामयाब होऊंगा, मुझे कामयाब होना है, ये दृष्टि में अपने सामने रखें, और जो सफलता हम चाहते हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर पल उसके विषय में सोचे, उसको विजुअलाइज करें तो ये सफलता मिल सके। उपस्थित हों श्रीमान असीम जी अपूर्व जी अपने परिवार के साथ, और तैयार हैं निवेदिता मोदी इंदौर से।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो और मन अत्यधिक विचलित हो, ऐसे समय में सभी कहते हैं धैर्य रखना चाहिए। गुरुदेव, मेरा सवाल है, क्या धैर्य रखने की भी कोई सीमा होती है? पेशेंस की कितनी सीमा है, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, धैर्य इसी का नाम है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर धैर्य में भी आपने सीमा ढूंढ ली, इसका मतलब मन में कहीं अधैर्य है। ये मन की अधीरता हमें विचलित कर रही है, समझ गए? तो हमें अपने मन को संबोधना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसका फल तो धीरज से ही मिलेगा। हमें अंतिम संभावना तक धैर्य रखना चाहिए। और फिर एक बात और सोचने और समझने की, जब चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं तो हमारे हाथ में है क्या? धैर्य रखना है ना। अधीर होकर के भी हमें उनका सामना करना है और धैर्य से भी हमें उनका सामना करना है। हम किसे प्राथमिकता देंगे? तो हमें अंतिम क्षण तक धैर्य रखना पड़ेगा। किसी ने एक दार्शनिक से पूछा, संभवतः टॉलस्टॉय से या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, उन्होंने धैर्य के बारे में लोगों को कहा, तो क्या धैर्य से आप चलनी में पानी रोक लेंगे? सीधा सीधा सवाल, धैर्य के बल पर क्या चलनी में पानी रोक लेंगे? उन्होंने अत्यंत धैर्य से जवाब दिया, बशर्ते पानी के बर्फ बनने तक का धैर्य आपके पास। धन्यवाद। पानी का बर्फ बनने तक का धैर्य आपके पास हो तो होगा, इसलिए धैर्य रखना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम जैन धर्म में अपने भगवान को तीर्थंकर स्वयंभू के नाम से पुकारते हैं, ऐसा क्यों है और ये कितना प्राचीन है? तीर्थंकर शब्द बहुत प्राचीन है, जब से जैन धर्म है तब से तीर्थंकर, और स्वयंभू भी उसी समय से। तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या? जो तीर्थ करे उसका नाम तीर्थंकर। तीर्थ क्या है? द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ, मुनि आरिका शावक शाविका। प्रत्येक तीर्थंकर अपने काल में द्वादशांग रूप आगम और चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, इसलिए वे तीर्थंकर कहलाते हैं। उन्हें स्वयंभू इस वजह से कहा जाता है कि वह स्वदीक्षित होते हैं, उन्हें किसी और की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, इसलिए वह स्वयंभू कहलाते हैं। तो तीर्थंकरत्व और स्वयंभूपना उनके साथ जुड़ा हुआ है और ये दोनों शब्द उतने ही पुराने हैं जितना कि जैन धर्म। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान निवेदिता जी मोदी इंदौर से, तैयार हैं श्रीमान जेके जैन साहब टेस्टी मायतन भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, मैं निवेदिता मोदी इंदौर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अखंड सौभाग्यवती स्त्री उन्हीं को क्यों कहा गया जिनकी प्रथम संतान पुत्र है, जबकि हमारे धर्म में इस तरह का पुत्र और पुत्री में कोई भेद भगवान आदिनाथ ने भी नहीं किया था? ये सवाल उनसे कहा करिया करो जो ऐसा बोलते हैं। महाराज जी, पंच कल्याणक में कई जगह बोला जाता है, पंडितों का काम है, मुझे ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि महाराज जी मैं भी एक पुत्री की माँ हूँ। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखता, ये बहुत बात की चीजें हैं, अर्वाचीन ग्रंथों में है। इसलिए फिर तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे हमारे भगवान ऋषभ देव में, खैर भरत और बाहुबली पहले पुत्रों में थे, लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें नहीं हैं। इसको हम सौभाग्य से जोड़ते हैं, ये मध्यकालीन साहित्य का प्रभाव है। यद्यपि प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी ऐसा स्पष्ट देखने को मुझे कहीं नहीं मिला, ये हमारे पंडितों ने बना दिया और वो उन सब चीज़ों को जोड़ते हैं। मुझे जस्ता नहीं, मैं अपने सामने तो ये मान्यता ही नहीं रखता, मैं जो आते हैं उन्हीं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। हमें धर्म के समय में सौभाग्यशाली उन्हें मानना चाहिए जो व्रती है, सबसे बड़ा भाग्य तो उसका, अव्रती को क्या मानना। और इन सब चीज़ों से किसी का भाग्य नहीं संवरता। ये लोग कहते हैं ठीक है, एक व्यवस्थाएं बना दी गई है, पर मुझे ये बहुत प्राचीन अवधारणा नहीं दिखती, चल रही है सो चल रही है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों श्रीमान जेके जैन साहब ट्रस्टी मायतन भोपाल, तैयार हैं ब्रह्मचारी अंकित जी विधानाचार्य धनोटा मदमोह। नमोस्तु गुरुवर, गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक शंका है कि सच्ची श्रद्धा और अंधभक्ति में क्या अंतर होता है, और एक गुरु और शिष्य के बीच में इसमें कैसे लाइन बनाई जाए? सच्ची श्रद्धा और अंधभक्ति में आपने अंतर पूछा है,
सच्ची श्रद्धा का मतलब है अपने श्रद्धेय को अपने जीवन का आदर्श मानना और उनके हर वचन को अपने जीवन का ब्रह्म वाक मान करके चलना, उसमें अपना हित देखना, उसमें अपनी भलाई देखना और उनका अनुगामी बनने के लिए संकल्पित और समर्पित होना। अंध भक्ति का मतलब किसी का अनुरागी बनकर उसके पीछे लग जाना, लेकिन हिताहित के विवेक से शून्य होना। अपने हिताहित का विवेक किए बिना जिस किसी का अनुगामी बनना अंध भक्ति है। और अपने हित की भावना को पुष्ट करने के लिए अपने आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेना सच्ची श्रद्धा। आइए ब्रह्मचारी अंकित जी भ्रांचा घनेटा दमोह से तैयार हैं। श्रीमान पंकज जी जबलपुर से, सुमचंद जी पंकज जी जैन जबलपुर। पूज्य मुनिवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जब हम लोग विधान कराने जाते हैं बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि परिवार में सुख शांति कैसे आए, और कहते हैं भैया हम बहुत उपाय भी करते रहते हैं लेकिन शांति नहीं आती है परिवार में। प्राय करके अधिकतर लोगों के मन में यही परिवार में शांति का कारण रहता है, तो महाराज जी परिवार में शांति का उपाय क्या है, कृपया कर समाधान। बहुत अच्छा सवाल है। जो लोग बोलते हैं परिवार में सुख शांति कैसे आए, उनसे बोलो पहले मन में शांति लाओ तो परिवार में अपने आप शांति है। सुख शांति बाहर नहीं, मन में है। और मन में शांति कब आएगी, जब हमारे अंदर सकारात्मकता होगी, हमारी सोच सकारात्मक बन जाए, सहनशीलता बन जाए, एक दूसरे के प्रति उदारता का भाव आ जाए और सहिष्णुता का विचार आ जाए, सहयोग की भावना आ जाए, तो परिवार में अपने आप शांति हो जाएगी। आज पारिवारिक अशांति का मूल कारण क्या है? बाहर की विविधताओं के कारण लोग अशांत कम है, अपने भीतर के अहम के कारण लोगों में अशांति ज्यादा है, ईगो का टकराव है, लोग आपस में उलझते हैं, आपस में बनती नहीं पटती नहीं। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो घोर अभाव और विपत्तियों से जूझ रहे हैं फिर भी आपस में प्रेम है, और मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ जिनके जीवन में सबका सद्भाव है लेकिन उसके बाद भी आपस में शांति नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? मन में क्षुद्रताएँ जब विकसित होती है तो इस तरह की कटुता बढ़ती है और यही कटुता हमें अंदर से तोड़ती है। तो मन को शांत बनाए, हमें आध्यात्मिक बनना चाहिए। लोगों का एक भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मैं ये मंत्र जप लूँगा तो मेरे घर में शांति हो जाएगी, मैं पाठ कर लूँगा तो मेरे घर में शांति हो जाएगी। अरे इन सब चीज़ों से यदा कदा कोई आपद विपत्ति की संभावनाएं टल सकती है, लेकिन आपसी सौहार्द के लिए तो हमें उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। सौहार्द किस लिए बिगड़ा? हमारे मन की कटुता के कारण। तो वो आएगा कैसे? जब मन में प्रसन्नता हो, मन में सरलता हो, मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव हो, वो चीज़ें विकसित होनी चाहिए। तो मन की शांति ही परिवार की शांति का आधार है। नमोस्तु। आइए श्रीमान पंकज जी सुमचंद जी जैन जबलपुर से तैयार हैं, श्रीमती कमल जी जैन कोटा से। हे गुरुदेव, मेरे व मेरे पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी शंका यह है कि कोई व्यक्ति जो पहले धर्म से जुड़ा हुआ था, किंतु किसी कारणवश वह धर्म से विमुख हो गया है, उसे धर्म से फिर से कैसे जोड़ा जाए, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, अगर कोई धर्म से जुड़ा है और किसी कारणवश धर्म से विमुख हो गया तो उसके लिए क्या करें? पहला काम करें कि उसके कारण की पड़ताल करें, किस वजह से, वो कारण क्या आया। यदि उस कारण की कोई वजह है, कोई जड़ है, तो उस कारण का निवारण करें तो आदमी जुड़ जाए। और कई बार ऐसा है कि लोगों के दिमाग में कारण हो जाता है, कारण होता नहीं, तो उसको हम अपने ढंग से मोटिवेट करें, उसके मन की शंका का निवारण कर दें तो वापस अपने आप धर्म से जुड़ सकते हैं। उपस्थित हों श्रीमती कमल जी जैन कोटा से, तैयार रहें श्रीमान अनिल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर। बोलो सीता कीजिए कमल जी। हाँ बोलिए बोलिए। ओम
हे गुरुदेव अनिल जी साहब पहुंचे, मेरा और मेरा परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार इंदौर से राजेंद्र जैन, सुधा जैन, राजेजी जैन, शशि जैन का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब राजेंद्र जी के स्वास्थ्य में जब से शांति धारा करवाई है थोड़ा फर्क आया है। बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। चेतनता ही है, आप उनको संबोधन देते रहे। आशीर्वाद। हाँ बोलो। और मेरा प्रश्न है महाराज जी, शुभ उपयोग की मुख्यता गुणता किसे कहते हैं और कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होती है? अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में इस पर विस्तार से चर्चा की है और आने वाले दिनों में पुनः इसकी चर्चा होगी, है ना। अभी संक्षेप में मैं इससे इतना ही कहूँगा कि आम गृहस्थों के लिए शुभ उपयोग ही धर्म है, समझ गए। उसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और शास्त्रों के अनुसार चौथे से छठे गुण स्थान तक शुभ उपयोग होता है। उपस्थित हों श्रीमान एन एल जैन साहब कुशाध्य ग्वायतन जयपुर, तैयार रहें सुश्री राशि जैन विवेकानंद नगर दमोह। सादर नमोस्तु महाराज श्री। कुछ दिनों के पहले मुझे एक आर्टिकल पढ़ने को मिला, उसमें लिखा हुआ था कि व्यक्ति के पास में तीन शक्तियां होती हैं, एक प्रेरणा प्रवृत्ति और प्रेरणा प्रवृत्ति प्रगति प्रवृत्ति प्रवृत्ति और इच्छा शक्ति। अरे जी, व्यक्ति के पास में दो तो होती हैं, प्रेरणा और प्रवृत्ति, लेकिन महाराज जी इच्छा शक्ति की क्या आवश्यकता है? क्या अगर आवश्यकता है तो क्यों? बात बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी ये बात लिखी, प्रेरणा प्रवृत्ति और इच्छा शक्ति, इन तीनों की जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने पूछा इच्छा शक्ति की क्या जरूरत है, मैं बोलता हूँ आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी सब कुछ अच्छी कंडीशन में है, टायर भी फिट है, उसमें हवा नहीं हो तो बोलो चलना पड़ना मुश्किल है। गाड़ी चल किससे रही है? व्हील पर। हवा का क्या रोल है? क्या रोल है? हवा उसको गति देती है, उसके बाद टायर से उसके संतुलन को बनाती है, गति देती है। बस यही हमारे अंदर की इच्छा शक्ति। हमारे लिए कितनी भी बड़ी प्रेरणा हो और हम कितनी भी बड़ी प्रवृत्ति करें, अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ काम ही नहीं हो पाए। वस्तुतः मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियाँ उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं और उस इच्छा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है प्रेरणा। स्वप्रेरणा भी होती है, पर प्रेरणा भी। हम एक दूसरे की से प्रेरित होकर के भी अपनी इच्छा शक्ति को बलवान बना लेते हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ बनी रहती है। तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेरणा और प्रवृत्ति के साथ साथ इच्छा शक्ति को बलवान बनाएं, क्योंकि उसके बिना हम अपनी गाड़ी को गति नहीं दे सकते। नमोस्तु महाराज श्री। सुश्री राशि जैन दमोह उपस्थित हों, तैयार हैं सीईओ गुणायतन श्रीमान सुभाष जैन दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, त्रिदंड क्या है? त्रिदंड क्या है? लघु त्रिदंड त्रिदंड लघु प्रतिक्रमण पाठ में त्रिदंड। हाँ हाँ, त्रिदंड यानी तीन प्रकार का दंड, अर्थात मन वचन और शरीर की खोटी प्रवृत्तियां। क्या? मन वचन और शरीर की खोटी प्रवृत्तियाँ दंड है जो आत्मा को दंडित करते हैं। इसका दंड कष्ट भोगना पड़ेगा आत्मा को, इसलिए मन वचन काय की खोटी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। आइए श्रीमान सुभाष जैन सी युगायतन दिल्ली से, तैयार रहें श्रीमती अंजू जी जैन ट्रस्ट युगायतन कोटा। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अभी इस काल चक्र के पंचम काल में हम लोग हैं और प्रथम तीन काल भोग भूमि के नाम से जाने जाते हैं। भोग भूमि काल कल्प वृक्ष होते हैं जो इच्छा के अनुसार फल देते रहते हैं, तो उस समय मनुष्य का क्या रोल रहता होगा? गुरुदेव, उस समय धर्म भी नहीं होता, तीर्थंकर भी नहीं होते, तो धर्म भी नहीं होता होगा, तो कैसे निष्क्रिय रहते होंगे लोग? और क्या ये भोग भूमि में जानवरों पर त्रियंचों के ऊपर भी उनकी इच्छा से उनको भोजन मिल जाता है या उनको परिश्रम करना पड़ता है? गुरुदेव, देखिए, भोग भूमि के काल में धर्म होता है, किसने कहा धर्म नहीं होता? भोग भूमि में भी सम्यक दृष्टि लोग होते हैं, वहाँ उन्हें मुनिगणों से यदा कदा धर्मोपदेश भी मिल जाता है।
विद्याधर और देव लोग भी उनको संबोधनार्थ आते, वे आपस में भी धर्म चर्चा कर लेते, समझ गए, उन्हें धर्म श्रवण नाम के सम्यक दर्शन का एक निमित्त भी होता है। हाँ, जहाँ तक तिरियंचों के द्वारा वहाँ उनकी मनोवांछित पदार्थों के मिलने का सवाल है, तो तिरियंचों को भी मन में जो इच्छा होती है, कल्प वृक्ष नर पशु सबको समान रूप से फल प्रदान करते हैं। आइए श्रीमती अंजू जी जैन ट्रस्टी गुणायतन कोटा से तैयार हैं। श्रीमान राजकुमार जी जैन गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। क्षमा हमेशा गलती की होती है, धोखे की नहीं। कुछ लोग धोखा देते हैं और क्षमा का दिखावा करते हैं, तो गुरुदेव उस दिखावे को नजरअंदाज करते हुए हम अपने व्यक्तित्व को कैसे ऊपर उठाएं कि उन्हें क्षमा कर सके। देखिए बात सही है, क्षमा गलती की होती है, धोखे की नहीं। आपने पूछा है, कई लोग ऐसे हैं जो धोखे को भी करके क्षमा का दिखावा करते हैं। इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि सामने वाले ने धोखा दिया है तो इरादतन दिया है या परिस्थिति से विवश होकर दिया। जो व्यक्ति इरादतन धोखा दिया है वो धोखेबाज की श्रेणी में आता है और ऐसे लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। यद्यपि क्षमा तो ऐसे लोगों को भी कर देना चाहिए, पर ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। हमारा धर्म किसी के प्रति वैर रखने की सलाह नहीं देता, क्षमा सबको करो। लेकिन जो लोग किसी परिस्थिति वश धोखा दिए, उस व्यक्ति के साथ क्षमा का भाव रखना चाहिए। एक व्यक्ति, देखिए क्या होता है जीवन में, एक व्यक्ति का एक बड़ा ईमानदार स्टाफ था, उस पर बहुत भरोसा भी रखता था, सारा काम उसको सौंप रखा था, कैश पूरा वो देखता था। संयोग ऐसा बना कि उसने 10 लाख रुपए का गबन कर लिया। मालिक को मालूम पड़ा, एक बार की हतप्रभ रह गया, इतना बड़ा नुकसान इसने किया। मालिक के बेटों ने कहा इसे निकाल दो, लेकिन उन्होंने कहा, वो बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति थे, देखो ये आदमी ने ये गबन किया है, मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, इसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने से पहले हमें विचार करना चाहिए। आज तक का इसका रिकॉर्ड रहा कि इसने कभी कोई गलत काम किया नहीं, ये गलत काम किया तो क्यों कर किया, इसे समझना चाहिए। उसे बुला करके बात किया, जब बात किया तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। ओम, उसने जब बात किया तो अपना अपराध कबूल कर लिया। पूछा तो, और उसकी आंखों में पानी, उसने कहा मैं अपने नजरों से गिर चुका हूं, मुझे घोर आत्मग्लानी है कि आप सबका विश्वास मैंने खो दिया, जीवन भर की कमाई को मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन क्या करूं, मेरी बुद्धि खराब हो गई, परिस्थिति से प्रेरित होकर मैंने ये कर्म कर लिया। बोले क्या हुआ? बोले मेरे बेटी की शादी थी, शादी मैंने बड़े घराने में तय कर ली, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, तो मैंने सोचा 10 लाख रुपया इधर से उधर कर दो, यहाँ तो सालों में हिसाब होता है, धीरे 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 जब समय आएगा तो हम एडजस्ट कर देंगे। मेरा मन पैसे के गबन का नहीं था, लेकिन यही मुझे शॉर्टकट दिखा कि अभी तात्कालिक व्यवस्था कहीं से करूं तो ये 10 लाख रुपए दे करके मैं कर सकता हूं, समय आएगा तो कर दूंगा, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि 2 महीने में ही भेद खुल जाएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उसके मालिक ने कहा ये बात थी तो तुम हमसे कह देते। बोले कहना तो सोचा पर हिम्मत नहीं हुई, मुझे लगा कि कहीं आप मना कर देंगे तो क्या होगा। तो ये धोखा है, लेकिन ये क्षमा है। उन्होंने उसे क्षमा किया और कहा ठीक, तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की, आज तुम्हारी बेटी मेरी बेटी भी थी, अगर तुम बोलते तो हो सकता मैं 10 की जगह 12 भी लगा सकता था, क्योंकि तुम 20 साल से इस हमारी फर्म में काम कर रहे हो, तुम्हारा इतना बड़ा योगदान है,
पर ऐसे परिस्थिति से प्रेरित होकर इस तरह का अपराध करना कतई शोभा नहीं देता। उस व्यक्ति को समझ में आई, उसके मन में आत्मग्लानि थी, उसने कहा मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। उसने कहा ठीक है, आगे दोबारा इसकी गलती ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। और उस व्यक्ति की उदारता ने उसके जीवन को भी सुधार दिया और एक व्यक्ति के प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाने से बचा लिया। हमेशा एक वाक्य ध्यान में रखना चाहिए, हमें पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज महामानव प्रमासागर जी महाराज की जय। पहले हम गणतंत्र की थीम देखेंगे टीवी में।